कहाँ पेशाब करवा रहे हो बच्चों को यार? देखना 2000 रुपये कमाएंगे नहीं आंटी, 2000 रुपये मेरा चले कि हम कहाँ से लाके देंगे। दिल्ली में आया बाढ़, ट्रैक पे आ गया पानी, देखिए पूरा। मैम हेलो, कहाँ जाना है? बेचारे यात्री उतर के इधर ही आके जो ना जा रहा है भाई, इनको ट्रेन चलने के बाद ही भाई होश आती है भाई, ये नहीं। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। फिलहाल मैं हूं अभी बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पे और आज हम यहां से अमृतसर के बीच में चलने वाली काफी जानी मानी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, जो है हमारी 15707 अमरपाली एक्सप्रेस। सो दोस्तों, आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कटिहार रेलवे स्टेशन पे और ये हमारे पीछे लगी है कटिहार से अमृतसर चलने वाली अमरपाली एक्सप्रेस। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन हर दिन रात को 10:45 पे कटिहार जंक्शन से निकलती है 1805 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, तीसरे दिन दोपहर को 12:20 पे आपको अमृतसर जंक्शन पहुंचाती है। सो भाई 37 घंटे और 35 मिनट की जर्नी रहने वाली है लगभग 51 हॉल्ट के साथ। और आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो इस ट्रेन के थर्ड एसी में इकोनॉमी में होने वाली है, सॉरी M1 हमारा कोच है, बर्थ नंबर 42। जय माता दी। क्या हुआ? आप बुलाते हैं, आपको कोई जानते हैं। भाई कोच में बात आई और पहचान पहले लिए, चलो। सो देखिए भैया, आज हमारी किस्मत खराब होने वाली है, मतलब एक तो इकोनॉमी का कोच है, ऊपर से इन्होंने मिडिल बर्थ दे दिया 42, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी सीट कंफर्म हो गई, RAC से कंफर्म हो गई। सो देखिए यहाँ पे मेरे अपने फैमिली के मेंबर और भाई काफी ज्यादा खुश है हमसे मिलके। बाकी भाई इस ट्रेन में क्या करवाते हो? जो बेड रोल है ना वो सप्लाई करवाते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, देते हैं जो अटेंडेंस को और लेके जाते हैं गाड़ी लेकर। तो भाई का यही काम है। बाकी वीडियोस कैसी रहती है? नहीं, एक नंबर भैया, एक नंबर, एक झकास। थैंक यू सर सो मच, आप सभी का ऐसे प्यार करते हो। और नाम क्या है आपका? कुंदन सिंह। सो दोस्तों, ये लगा हमारी अमरपाली के साथ WAP 7 गाजियाबाद शेड का, जो कि इसको पुल करेगा अमृतसर तक। और गाड़ी अभी चली भी नहीं है कटिहार से, पूरी गाड़ी के जनरल डब्बे पैक हो चुके हैं और इस ट्रेन में जनरल डब्बों की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। मुश्किल से एक या दो जनरल डब्बा लगाया है, बाकी ये सारे अमृतसर जाने वाले भैया। ये सारे अमृतसर जाने वाले हैं, ना जाने ये कैसे जाएंगे, अभी से यही हाल है तो आगे क्या हाल होगा भाई। पर भाई अगर आप कटिहार आते हो तो आपको ये पानी मिलेगा जीवन, रेल नीर नहीं मिलेगा। हालांकि ये भी 15 का है लेकिन रेल नीर नहीं मिलेगा, पूरे स्टॉल में मैंने चेक करा कहीं भी नहीं है। बाय। सो भाई को बोल दिया बाय बाय। देखिए ये देखिए चढ़ती ट्रेन से कैसे चढ़ा जा रहा है भाई, इनको ट्रेन चलने के बाद ही भाई होश आती है भाई, ये नहीं सुधरेगी भाई कभी भी जिंदगी में। देखिए इनको चलती ट्रेन में ही होश आती है और पूरी ट्रेन पैक हो गई है। और देखिए काफी सुंदर लग रहा है अपना कटिहार रेलवे स्टेशन, देखिए बाकी पुलिस वाले भी तैनात है और अभी कर देते हैं गेट को बंद क्योंकि चोर डकैत अभी चढ़ना शुरू। क्यों भैया? चोर डकैत यही से आते हैं ना। तो दोस्तों कटिहार से लगभग 22 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमरपाली एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे, जो अपना काड़ागाला रोड CGG इसका स्टेशन कोड है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और अपने ऑन टाइम आई है अपनी ट्रेन अमरपाली। और यही था अपना काड़ागाला रोड, देखिए बाय बाय काड़ागाला रोड। और अभी हम जा रहे हैं भाई सोने के लिए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई। तो देखिए मैंने बेड रोल वगैरह बिछा लिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और भाई ये सच में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, मेरा 2 बार ऊपर सर बज गया भाई, इतना देखिए कितनी कम स्पेस है ये देखिए। और यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है भाई, उस साइड होता तो बेटर होता, साइड अपर या साइड लोअर। लिटरली अगर आपका नंबर आता है ना भाई इकॉनमी में मिडिल बर्थ पे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए सोने जाते हैं, अभी सीधे सुबह मिलते हैं आपको। 10 बजे आएगा भाई, 10 बजे भी खाना नहीं खाते, कम से कम 12-12:30 बजे खाना खाते, इसमें किचन नहीं है। अच्छा इसलिए आप 7 बजे आर्डर, इसीलिए ऑर्डर पहले पड़ेगा तब ऑर्डर से बनता है खाना। कितने की प्लेट देते हो? 120 का। क्या क्या देते हो? साइड में एंट्री हो आप? रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, भुजिया, मीठा अचार चम्मच। ठीक है, 10 बजे के बाद आना ऑर्डर लेने। ठीक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रेन में अमरपाली में। और देखिए भाई सुबह सुबह खाना बेचने वाला आ गया, 7 बजे भाई कौन खाना खाता है बताइए आप।
सो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:34 और 397 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमरपाली एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 17वें हॉल्ट पे, 17 हॉल्ट पे, जो अपना बिहार का छपरा। और छपरा का स्टेशन कोड है CPR। और देखिए यहाँ पे ठूसा ठूसी लगी हुई है भाई, ये लोग है या क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, एकदम जानवरों की तरह धकेला धकेली मारा मारी सुबह सुबह ही शुरू हो गई है छपरा में। हालांकि ये जो ट्रेन है ये पीछे से बहुत पैक होके आई है, लेकिन यात्री कहाँ रुकने वाले हैं। देखिए अम्मा को कैसे निकाला जा रहा है बाहर, देखिए चढ़ने वाले। और जनरल यात्री इतने परेशान है बेचारे, यात्री उतर के इधर जाके जो भी कर रहे हैं अपना, सारे के सारे एक नंबर यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए, ए भाई भाई, ए भाई देख, भाई छपरा से देख लिया ना आपने कैसे चोरी बाटर चढ़ाया जा रहा है। और ये देखिए पानी को ठंडा के लिए छपरा, ठंडा करने के लिए छपरा से बर्फ भी चढ़ाई जा रही है। देखिए भाई, देखिए 34 मिनट की देरी से निकल गई है अपनी अमरपाली एक्सप्रेस और भाई इसको छपरा में ही खड़ा कर दिया था यार, हद होती है भाई। पूरे राइट टाइम बिफोर आई थी 6 मिनट और कम से कम यहाँ पे इसको खड़ा करके रखा इन्होंने 34 मिनट एक्स्ट्रा। और अगर आप छपरा आते हो तो यहाँ पे अंबिका भवानी शक्तिपीठ है, वहाँ पे घूमना ना भूलिए। और देखिए निकल गई अपनी ट्रेन छपरा से, और ये छपरा था ये अपना बनारस डिवीज़न के नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है, और जंक्शन इसलिए था क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है सिवान बलिया और एक चली मरको चली जाती है एक ब्रांच लाइन, पीछे से आपको पता है ये हाजीपुर वाली लाइन आ रही है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रेन ना सिवान जाएगी और ना गोरखपुर जाएगी, और ऐसे करके 12 स्टेशन इसके बंद कर दिए गए हैं फिलहाल, क्योंकि ये ट्रेन कर दी है डाइवर्ट और अब सीधी ट्रेन ये सीधी कानपुर में जाके मिलेंगे आपको छपरा से निकलने के बाद, मतलब कहीं भी नहीं रुकेगी ये और बनारस के रास्ते ही जाएगी ना, बनारस के रास्ते ही जाएगी। अब ये इसका रूट ही वही चेंज कर दिया गया है लाइन ब्लॉकेज की वजह से, रूट ही देखो भाई आप, सिर्फ रूट और गाड़ियों के ओवरटेक हो गए, गाड़ियों के स्किप हो गए, ये सब आपको देखने को मिलेगा अभी भाई। अच्छा भैया गरम गरम ऐसा खिलाएगा ना भैया कि आप भी क्या याद कीजिएगा, गुटका वाले ने क्या बोला कसम से बता दे, ऐसा लिट्टी खिलाएगा। हाँ, अच्छा खिलाएगा। देखिए भैया नाम नहीं लीजिएगा ना भैया, फिर कहिएगा कि क्या बोल के गया। बिहार में आए और चाचा से लिट्टी लिया भाई, करते हैं अभी चाचा का लिट्टी ट्राई। लिट्टी तो भाई एकदम घर जैसा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको गंगा की एक बहुत ही प्रमुख रिवर जो है अपनी गागरा नदी। और ये जो नदी है ये 1080 किलोमीटर लंबी नदी है और इसको नेपाल में करमाली बोलते हैं क्योंकि ये नेपाल से ही आती है। और चलिए देखते हैं अभी गागरा नदी, और देखिए पूरी कर्व ले रही है हमारी ट्रेन। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो गागरा नदी है ये गंगा से मिलती है छपरा में जाके, इसलिए ये गंगा की बहुत प्रमुख नदी है भाई। ये दोस्तों हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है गागरा रिवर के ब्रिज को, और अभी देखते हैं गागरा नदी की खूबसूरती। देखिए कितनी बड़ी और विशाल रिवर है अपनी, अगर लेंथ की बात करें तो 1018 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका ओरिजिन नेपाल में है भाई, और नेपाल में इसको करमाली रिवर के नाम से जाना जाता है। बाकी देखिए बाढ़ आने की वजह से कितनी ज़्यादा भयंकर लग रही है भाई हमारी गागरा नदी। देखिए भाई साहब, देखिए पानी बहुत तेज है नीचे। अब बताइए ना, इसमें बुझाएगा नहीं, कैसे उठा लिया? अच्छा आपने यहाँ ऊपर रखा था। हाँ, ये हमारे ही सीट है तो बोले कि इस पर रख दीजिए। साले कंप्लीट है, कितनी अचरज की बात है, साला नया होता तो ठीक है, सेकंड हैंड कंप्लीट ले गए। अब वहाँ दो लड़का ये थी देखे कि नारियल देखने से हाथ न कर के
तो पिटरिया हाथ में लिए थे थी, उसी में रख रहा था नडियर। हाँ चाय चाय है। मैम हेलो, कहाँ जाना है आपको? चाय चाय कहाँ जाना है? हेलो हेलो हेलो, ये कौन है, क्या है आप? हाँ हाँ कह रहे हैं, कौन है, क्या है टिकट इनका? मैं टीटी बोल रहा हूँ 57.07 के। मैंने ये कौन है आपको? बुरा हाल है भाई, और अभी अपनी ट्रेन निकल रही है बलिया से। यार गेट खुला छोड़ते हैं, कंबल 2000 का कोई उठा के ले गया। अब बेचारे वो उनकी इतनी पैसे कमाते नहीं है जितने साले एक बार में चले जाते हैं। देखो क्या जमाना आ गया भाई, अब बेचारा कोच अटेंडेंट क्या करे यहाँ बताइए, लोग कंबल भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई। ये देखिए भाई सागर पाली स्किप, तो जनरल का टिकट है भाई। आप इसमें खड़ा है पता है आपको? ट्रेन का सबसे महंगा बोगी है ये, इस पूरे ट्रेन का सबसे महंगा बोगी है ये। और अगर पूरा कंट्री से पूछिए तो कोई कमल चोरी हुआ आरपीएफ आपको दे देगा तुरंत, हम तो कंप्लेन करेंगे। 2000 रुपया कमाएंगे नहीं आंटी, 2000 रुपया मेरा चले कि हम कहाँ से लाके देंगे? हम एक गरीब परिवार का लड़का है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ रहते हैं। हमको कोई शौक थोड़ा है रात भर जगने का, कोई एक रात नहीं जग पाएगा, हम लोग कंटिन्यू 5 रात तक जग। और ये दिन में ही ले गया कोई कंबल बताइए रात? हाँ अभी अभी ले गया कोई साला। अरे आंटी यही आंटी तो देखी हमको रखते हुए, ये खुद देखी। आप देखी तो आपने ये नहीं देखा कौन उठा के ले? खाना खा रहे, खाना खाने लगे छपरा से पहले छोड़ कर आया आंटी मोबाइल। कब पकड़ा? इस ट्रेन में? हाँ इसी ट्रेन में, उसको इतना मार लगा आंटी, खिड़की के बाहर में लटका हुआ था, हाथ अंदर से पकड़ा हुआ था पब्लिक का खिड़की के बाहर में। ट्रेन चल रहा है इसी कोच में या इसी कोच में आगे वाले M1 में? हाँ उसके बगल वाले। कंबल चोरी हो गया इसका? इनकी नहीं का, ट्रेन से कंबल चोरी हो गया। हाँ आप सोए हो, आपको पता है कहाँ गया? हम तो बाहर में सोते थे, हम तो अभी। ध्यान रखो ध्यान। क्या जब से ये ट्रेन डाइवर्ट हुई है इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ को जाना है इसको, कहाँ को नहीं जाना है, बाकी ना कुछ खाने को मिल रहा है। लिया हमने एक पानी और एक बिस्किट लिया है, अब यही खाना पड़ेगा ना। इसमें पेंट्री का आ रहा है और खाना बेच रहे थे एकदम ठंडा खाना बेच रहे थे साइड पेंट्री वाले, 130 रुपये में प्लेट बेच रहे। तो मैंने सोचा भाई हाथ जोड़ दिए उनके आगे कि मुझे नहीं खाना भाई, तो अभी पानी और बिस्किट खा के टाइम पास करते हैं। हमारी बहुत देर से वाराणसी पे रुकी थी, तो यहाँ पे एक पीछे रिफ्रेशमेंट रूम था जहाँ से हमने ली है बिरयानी। ये बिरयानी है जो कि हमें बढ़िया 70 रुपये की, तो खा लेते हैं अभी। देखिए सिंपल सी बिरयानी है, अब क्या करें भाई, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। कहाँ पेशाब करवा रहे हो बच्चों को यार, गंदा होता है प्लेटफॉर्म, अंदर बाथरूम अंदर करवा लीजिए, सही नहीं लगता ना। पुलिस वाला देखेगा 5000 का फाइन बजेगा आपको, ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता भाई। बच्चों को यार प्लेटफॉर्म पे पेशाब करना सिखा रहे हैं तो वो बड़े होके यही गंदगी डालेंगे ना यार। क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रही है, सारा गाड़ी निकल रही है, गाड़ी को आगे चलने नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम भी नहीं बता रहा क्या प्रॉब्लम है। अब क्या स्टेशन मास्टर के पास जाना? स्टेशन मास्टर के पास जाना है, उसको पूछना क्या प्रॉब्लम है, इतना देर से गाड़ी खड़ा है, उसका प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे आप? चलिए सब आदमी जाएगा तो हम देख, आदमी काम थोड़ी है वहाँ पे। वहाँ जाने से कुछ होना नहीं है, आगे लाइन ब्लॉक है। ब्लॉक है हाँ, ठीक है, वो सब गाड़ी कहाँ निकल रही है? ये 1 महीने से इस रूट पे चल रही है, जो आगे जा भी रही है ना, जिस गाड़ी टाइम होगा उस गाड़ी को पहले छोड़ा जाएगा। अरे उसको क्या ठाट मालूम, वो तो झंडा हिलाना जानता है। भैया की भविष्यवाणी सच हुई भाई, देख लो ये, देखो ये सारे इसमें घुस रहे हैं भाई। देखिए अंडा चावल 60 रुपए एक अंडा, 50 रुपए चलो 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 चलो
हो गया घुस जाओ वाह भाई क्या इवनिंग हो चुकी है एकदम। ये अजान कहाँ लगी है? और बारिश धीमी धीमी बारिश लगी हुई है और हमारी अमरपाली दन्नो रानी निकलती हुई। बाकी भैया ने दन्नो रानी नाम दिया इसको है। सो कानपुर का जो इसका टाइम था वो लगभग 8:00 पे था, लेकिन अभी ये बनारस ही भाई पहुंची है तो बहुत बुरा हाल है। एंड इतना तो निश्चित है कि ये लेट होगी तो होगी होगी, अभी इसको लेट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये रात को बारिश भी लग चुकी है, बिजली देखिए भाई कितनी चमक रही है, अभी दिख जाएगी आपको। ये जो मतलब जैसे इसका रूट दूसरा है ठीक है, ये कोई और अन रूट पे आ गई डाइवर्ट होके, तो अब ये क्या गाड़ी होगी? मतलब ऐसा ये लावारिस है ना, ये नेट नूट पे कहीं नहीं मिले। हाँ अभी अब नेट चेक करो कि कहाँ चल रही है। एक टाइप की लावारिस ही है, लावारिस नहीं है ये। हाँ जो आपने बोला था वही आके रुकी। तो लीजिए भाई इलाहाबाद में पहुंच गई है अपनी ये लावारिस ट्रेन। भाई प्रयागराज में पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन, और कौन सा स्टॉप है कौन सा नहीं है ये इसका स्टॉप ही नहीं है। एक टाइप से कह सकते हो अपनी लावारिस ट्रेन अपने लावारिस स्टेशन पे पहुंच चुकी है, यही मैं कहूंगा। इस साइड से देखिए अपनी बुंदेलखंड जा रही है। और खाने उने की बात करें तो पिछले स्टेशन में फ्रूट वगैरह खा लिया था, इतनी ज्यादा भूख नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ जूस वगैरह ले लेते हैं। और दूध तो मिल नहीं रहा, लेकिन कॉफी दे देना। एक निकल गई अपनी ट्रेन प्रयागराज से, और ये इसका कोई भी स्टॉप नहीं था, एक टाइप से लावारिस था। ये इसके मेंबर है काफी अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़िया से काम किया इन्होंने। आप क्या कहना चाहोगे प्रयागराज के बारे में बताइए, ऐसे मत करिए, बताइए क्या कहना चाहोगे भैया, बोलिए प्रयागराज के बारे में। बहुत अच्छा है। क्या फेमस है यहाँ कुछ बताओगे खाने पीने के लिए? खाने पीने का हमको मालूम नहीं, क्योंकि मैं खुद पहली बार। बाकी ये भाई कटियारे से है ना, कटियार से, पर ये भी कटियार से है ना। तो गाड़ी में टीवी में कैसे देखेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा तीसरा दिन है भाई इस ट्रेन में, और देखिए अभी उठ चुके हैं हम, समय हो रहा है लगभग 7:45, और बाहर देखिए आपको बाहर का व्यू एक दिखाता हूँ आपको। ये पद्मावत एक्सप्रेस जा रही है, देखिए क्या स्पीड से प्रायोरिटी मिली पद्मावत एक्सप्रेस। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली अगेन, देखिए और दिल्ली में एकदम भाई मौसम खराब हो रखा है, देखिए पूरा भाई बादल, पूरे बादल छाए हुए हैं, बारिश से बुरा हाल है भाई दिल्ली में। इस साइड भी मैंने देखा अभी सिर्फ भारी बाढ़ आया हुआ, पानी भरा हुआ था पूरे एरिया में। बाकी देखिए दिल्ली में घुस चुके हैं हम, देश की राजधानी दिल्ली में। डस्टबिन में फेंक देते यार, बाहर गंद फैल गया। हाँ डस्टबिन में फेंक देते इसको। दिल्ली रह रहे हैं, किससे पूछो तो बोलता है दिल्ली रह रहे हैं। सब बोलता है, क्या बोलते हैं? दिल्ली रह, ठाट से बोलते हैं। दिल्ली रह रहा है हम, तो ये देखो, है देखो, हाँ, ये देखो ले बताओ, ये है भाई दिल्ली का लाइफ देखो, इतने छोटे छोटे घरों में रहते हैं ये। वो देखो हाँ हाँ वो देखो पंखा चल रहा है, ये ऐसे है भाई दिल्ली की लाइफ देख लो। अम्मा तो शौक हो गई, अम्मा ए? क्या कहना चाहोगे आप, मतलब ये लाइफ देख के क्या आप क्या कहना चाहोगे ये सब देख के दिल्ली के बारे में? ए, दे। आप कहाँ से हो? कहाँ से? अलीगढ़। हाँ अलीगढ़ से, अच्छा किसी को पूछो तो क्या बोलते हैं? कपड़े फटे तकाए, मकान तो दिल्ली है। दिल्ली है भाई देख लो दिल्ली का लाइफ यार, जैसे बम्बई रहता। हाँ बम्बई है, बम्बई बहुत। ये देखो खींच लो, फोटो खींच लूँ, खींच लो, ऐसे करो, ऐसे बोलो दिल्ली में नहीं रहना है, बोलो बोलो मामा। हाँ। बोलो दिल्ली में नहीं रहना, दिल्ली में नहीं रहना। हाँ
हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये आपको दिखाते हैं दिल्ली की यमुना रिवर। देखिए दिल्ली की यमुना रिवर से पास करती हुई हमारी अम्रपाली एक्सप्रेस। ये देखिए भाई यमुना ब्रिज। ये है भाई यमुना का हाल। ऐसा पानी जब बीच में आएगा तो यही हाल होगा ना यमुना का। देखिए कितनी बेकार कर दी है ना। जब हरिद्वार से आती है, जब उत्तराखंड से निकलती है, कितनी साफ होती है ना। ये देखिए ये हालत है यमुना का। देखिए कितना गंदा पानी है भाई। आपने दिल्ली को इतना खाली पहली बार देखा होगा। और ये क्यों दिल्ली इतनी खाली है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लगा है G20। और ये वीडियो आपको पता नहीं कब देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। और आज है 10 तारीख है ना, 10 ही है ना आज, कितनी तारीख है, 10 है ना, 10 तारीख है। और 10 तारीख को G20 लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए इतनी खाली है दिल्ली भाई। और ये देखिए ये लाल किले की दीवारें दिख रही हैं सामने। नहीं बना ये देखिए भाई अप्रोच कर रही है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को अपनी अम्रपाली एक्सप्रेस। सामने से देखिए बाहुबली सेना आती हुई है एकदम अटैक करने के लिए। देखिए अरे आराम से आराम से आराम से चढ़िए यार, दादी माँ को लेके आराम से चढ़िए। 1358 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अम्रपाली एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है भाई, और पहुँच चुकी है देश की राजधानी पुरानी दिल्ली में। नई दिल्ली है लेकिन मैं पुरानी दिल्ली बोल रहा हूँ, है तो दिल्ली ना भाई। भाई कैसे जाएंगे ये जनरल में घुस के भाई। इन लोगों में इतना साहस नहीं बचा है कि ये बाहर जाके पानी ले आए। देखिए ये अंदर से ही दूसरे जो बाहर लोग हैं उनको बोल रहे हैं पानी लाने के लिए। देखिए पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं ये लोग। देखिए अंदर ही भाई यार बहुत बुरी हालत है यार, बहुत ज़्यादा बुरी। ओ भाई आराम से, अबे चढ़ो यार। क्या देखो स्पाइडरमैन है भाई, ये चाचू गिर मत जाना भाई। पुरानी दिल्ली से भी ट्रेन अपने दिल्ली में आया बाढ़, ट्रैक पे आ गया पानी। देखिए पूरा ट्रैक भीग रहा है भाई, ये धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जाएगा। देखिए ये देखिए भाई ट्रैकों पे पानी आ गया भाई। देखिए भाई क्या कंडीशन आ गई है, लोग जनरल में तो घुस नहीं पा रहे, अब एसी में ही घुस गए हैं। अब देखना कुछ देर में यहाँ पे टीटी आएगा और इनकी क्या हालत होने वाली है वो आप आगे देखते ही रहना बस। इन लोगों की क्या हालत होनी है जो अवैध रूप से मतलब सेकंड एसी में मजबूरी में घुसे हुए हैं, इनकी भी मजबूरी है। अब टीटी आएगा उसकी भी मजबूरी होगी भाई, अब देखते रहना बस। ए, आगे बढ़ो। टीटी का मजा वीडियो बना रहा है। बोलो बोलो। आए, ए, पार्ट निकल ले लो। ये स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। कौन सा स्टेशन है पता नहीं चल रहा भाई, इतनी स्पीड से। और ये जी नहीं हो रहा भाई, ये अम्रपाली देखिए भाई जा रहे हैं भाई पानी बेचने के लिए। अब देखना क्या हालत होगी इस कोच में। देखो आने को कोई दिक्कत नहीं है, नल की हालत एकदम नरक से भी बदतर हाल है भाई। देखो यहाँ पे निकले हैं भैया के साथ पानी बेचने भाई। देखो हालत देखो, निकलने के लिए जगह नहीं बची है यार। चल रे 10 का 10 का ले वाले, गरम गरम भरे 10 का प्लेट, गरम 10 का 10 का ले। यहाँ लोग बाथरूम भरा हुआ है क्या? ये देखो बाथरूम के अंदर भी भरे हुए हैं पैसेंजर। हर जगह पैसेंजरी पैसेंजर है, हर जगह पैसेंजरी पैसेंजर है। इतनी भीड़ में वसूली चलती है क्या? क्या रहे हैं इतनी भीड़, इतनी भीड़ में कैसे घुस जाते हो? घुस जाते हैं पूरा थके थके मोटा माल जाता है भैया इनका।
छेड़खानी मत किया, यहाँ पकड़े क्या, मांगा करो, छेड़खानी मत किया करो, ठीक है? क्या किया आपको? क्या होगा आपको? नहीं किया ना कुछ, हम लोग डेली आन जान करते हैं, मेरा दोस्त है। साथ में ले के आया उसको, एसी से डंडल दिखाने। तू उसको क्या मेरे बोल में दिखाने के लिए, देखना। ओ हो, देख तू क्या खोले मेरे बोल खोलने के लिए। दे दे प्यार से यार, दे दे प्यार से, दे दे वो लेके रहेगी। 10 रुपए के लिए कितने की कर रहे हो ओ भाई? ओ मां भाई भी अपना मान के रहे यार। हाँ वो है डावे, है डावे। ये ना आपने क्या चलता है यहाँ पे, पूरे नंगे हो जाते हैं भाई अगर पैसे ना दो भाई। ये होता है भाई जनरल में, देखो एक तो यात्री परेशान रहते हैं और ऊपर से इनकी मारा मारी भाई। के और ऊपर से वसूली के 500 रुपए लग जाते होंगे ऐसे दे दे के। कितने आते हैं? बहुत आते हैं, रोज आते हैं भाई, बहुत आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, मतलब इस रूट पे मारते नहीं है, बेंगलोर वाले रूट पे मारते हैं भाई वो। मैं फाइन मार दूंगा हो नहीं आगे टी 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 टी, ध्यान से जाना, ध्यान से वो भाई अंदर खोल लो। आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। पानीपत आ रहा सारे जन, तो जनरल च हो जाइयो वीर। तेन मैं कहा सर दोबारा नहीं, पता की है प्यार ना जो कोई बंदा कहता सुन ली का, भीड़ हैगी तो जनरल चलो, इतने अलाउड नहीं है। 5,000 रुपए की टिकट बनेगी, मैं आराम दस चला, ठीक है? नहीं लास्ट में तीसरे जनरल में जाएगा क्योंकि खाली है वहाँ, यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ वो खाली है उधर, चले जाएंगे। कैसे तो खरीद मिल जाए ले आते हैं आपका। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में, जिसका स्टेशन बोर्ड है KDE और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 5:30। हाँ भैया यहाँ पे ये ट्रेन 5:30 लेट आई है। बाकी कुरुक्षेत्र के बारे में भैया बताएंगे आपको, भैया बताइए कुरुक्षेत्र के बारे में। हमारा नहीं ये देखो, ये कहाँ से उतर रहे हैं? तो कटिहार से लगभग 1556 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमरपाली एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 43rd हॉल्ट पे, जो अपना अम्बाला UMB अम्बाला का स्टेशन कोड है। और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 4:57 की देरी से आई है, यानी 5 घंटा लगा लो, 5 घंटा देरी से आई है। और अम्बाला में बहुत सारे यात्री डिवोर्ड कर चुके हैं, जो भी जनरल कोच भरा हुआ था ना भाई, ऑलमोस्ट यात्री डिवोर्ड कर चुके हैं अम्बाला से। लिए हैं भाई अम्बाला के हमने छोले भटूरे एकदम गरम गरम। टेस्ट की बात करें तो हर बार की तरह सही रहते हैं भाई अम्बाला के छोले भटूरे। कटिहार से 1610 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारी कटिहार अमृतसर अमरपाली एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 45वें हॉल्ट पे, जो अपना पंजाब का सरहिंद। और जो अपना सरहिंद है ये काफ़ी ऐतिहासिक प्लेस है और यहाँ पे एक शहीदी गुरुद्वारा है। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, सिखों के 10वें गुरु, उनके 2 बेटों को दीवार में चिन्ह दिया गया था मुगलों द्वारा। ऐसा यार सरहिंद का स्टेशन कोड है, 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। और यहाँ पे ये ट्रेन 5:20 की देरी से आई है, निकल चुकी है हमारी ट्रेन सरहिंद से। और देखिए भाई कितनी रफ्तार से चल रही है अपनी अमरपाली एक्सप्रेस। तो अगर आप इस ट्रेन में स्लीपर में यात्रा करते हो
भाई चलती ट्रेन से मत चढ़ो यार, क्या करिए मुसीबत है। हाँ तो अगर आप इसमें स्लीपर में यात्रा करते हो एंड टू एंड तो आपको पड़ेगा 670 रुपये। अगर आप इसमें करते हो थर्ड एसी में यात्रा तो आपको 1805 रुपये पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमी में करते हो तो 100-200 कम लगा लो उससे। आप सेकंड एसी में यात्रा करते हो 2655 रुपीज़ पड़ेंगे। अगर जनरल में करते हो तो वो टीटी पे डिपेंड। गुड आफ्टरनून गाइस, टाइम हो रहा है लगभग 1:52 और कटिहार से लगभग 1670 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी कटिहार अमृतसर अमरपालीन एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 17th हॉल्ट पे। लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में पहुंच चुके हैं। LDH लुधियाना का स्टेशन कोड है और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 5 घंटे और 15 मिनट की देरी से आई है। दोस्तों जो अपना लुधियाना था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। 7 प्लेटफॉर्म थे यहाँ पे और फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर आता है अपना लुधियाना। बाकी भैया बताएंगे लुधियाना से कौन कौन सी लाइन जाती है बताओ। एक जाती है फिरोजपुर वाली, एक जाती है दूरी वाली और पीछे से आपको पता है ये अम्बाला वाली लाइन आ रही है। सारे के सारे जो करिंदे हैं ये अपनी ही ट्रेन के करिंदे हैं। नहीं भैया, ये सब अपनी ट्रेन के करिंदे हैं। ऊपर नीचे कहाँ बैठ के आए मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। अगर ये लोग हो ना, देखिए अभी अपनी ट्रेन पार कर रही है सतलुज रिवर को और सतलुज रिवर देखिए एकदम सूख गई भाई। देखिए फोर्स नेचर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। जलंधर कैंट, क्या स्पीड है यार, 3 बजे से पहले ही पहुंचा दिया भाई ट्रेन ने। टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 2:50 यानी कि 10 मिनट है अभी 3 बजने को। 1727 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी अमरपाली पहुंच चुके अपने 49th हॉल्ट पे यानी कि अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट पे जो अपना जलंधर कैंट जंक्शन। और यहाँ पे जो इसका टाइम था आने का वो सुबह का था, सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन यहाँ पे फिर भी 4.5 घंटा लेट आई है। तो 1.5 घंटा इसने अपना रिकवर कर लिया भाई। तो लीजिए भाई निकल गई है अपनी ट्रेन जलंधर से भी, हालांकि जो इसका स्टॉप था यहाँ पे 5 मिनट का था और काफ़ी जल्दबाजी में लग रही है अपनी ये ट्रेन भाई। देखिए तो हमने भी कर दिया भाई भाई इस ट्रेन को। और अब ये ट्रेन यहाँ से ब्यास रुकेगी, उसके बाद ये अमृतसर में जाके टर्मिनेट हो जाएगी अपने गंतव्य तक जाके। तो करते हैं इस जर्नी को यही पे एंड। आज की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब ये ट्रेन लगभग 20-25 दिन ऐसे ही डाइवर्ट रहेगी। जो भी यात्री इन दिनों इसमें यात्रा करते हैं थोड़ा स्टेटस वगैरह चेक कर लेना रेलवे की ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।